दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने चंद्रयान मिशन और सोलर मिशन के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो ने शुक्रयान मिशन की लॉन्चिंग के लिए बैकअप प्लान तैयार कर रखा है। इसरो के पास साल 2026 और 2028 में भी दो लॉन्चिंग विंडो मिलेंगे, लेकिन ये विंडो 2024 से बेहतर नहीं है, क्योंकि सबसे कम ईंधन और कम दूरी को देखते हुए अगला बेहतरीन लॉन्चिंग विंडो 2021 में ही मिलेगा। शुक्र ग्रह के लिए 40 से अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं। एक अंतरिक्ष यान जापान का अकात्सुई वर्तमान में कक्षा में है। अगले दशक में 3 नए शुक्र मिशन लॉन्च किए जाएंगे। शुक्रयान एक ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर मिशन यानी स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ज्वालामुखी आदि अन्य चीज़ों की स्टडी करेगा। वही चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो को भविष्य के लिए गगनयान और शुक्रयान जैसे अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसरो अब सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे का अध्ययन करने के लिए शुक्र मिशन को भेज रहा है, जो कि कक्षा में जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान की तरह तैयार किया जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी से शुक्र की दूरी करीब 40 करोड़ किलोमीटर है। यदि कोई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी यान से भी चले तो शुक्र तक पहुंचने में उसको 4.5 साल लग जाएंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर रशिया ने विनेरा नाम का लैंडर और वेगा लैंडर वेगा सीरीज के 12 स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर रूस ने भेजे थे, जो कि 4 विफल हो गए थे। दोस्तों, शुक्रयान मिशन वेनस ऑर्बिटर मिशन के जरिए शुक्र के वायुमंडल में मौजूद रसायन, एसिड, दवा की रफ्तार, ज्वालामुखी की स्थिति, सूर्य की किरणों के शुक्र पर प्रभाव और यहाँ की संरचनाओं का पता लगाया जाएगा। इसरो शुक्रयान मिशन में चुनौतियाँ कम नहीं है। शुक्र सूरज के सबसे करीब, इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी है। चांद और सूरज के रहस्यों का पता लगाने के बाद अब इसरो शुक्र ग्रह की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक इंटरव्यू में चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि शुक्रवार के पेलोड डेवलप हो चुके हैं। ये मिशन अपनी मंजिल के काफ़ी करीब है। इसरो से पहले यूरोपियन एजेंसी ने 2006 में वीनस मिशन, जापान ने 2006 में अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर और नासा ने भी भेजे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुक्र मिशन से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को क्या हासिल होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, लाइक